कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो अब बागी विधायक भी नाराज नजर आ रहे हैं। अब बागी विधायक कौन से, बात हो रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि फैसला तो ले लिया गया है कि आखिरकार शिवसेना किसकी, उद्धव की या फिर शिंदे की, लेकिन यहाँ पर फैसले को सुरक्षित रखा गया। अब साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर उद्धव के पक्ष में फैसला आता तो क्या बागी विधायक उनके साथ जाते नजर आएंगे। और ये बात इसलिए उठ रही है यहाँ पर क्योंकि एक मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, और पहला जो हुआ है उसमें भी शिंदे गुट के विधायकों को कोई बड़ा पद या पर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिस तरीके से फडणवीस ने अपने मंत्रियों को बड़े पद दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है। साफ तौर पे देखा जाए तो बागी विधायक भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखाते नजर आ रहे। अब इस बीच यहाँ पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट पूरी तरीके से खत्म होता चला जाएगा और यहाँ पर जो चुनाव होगा वो एनसीपी पार्टी और यहाँ पर बीजेपी के बीच में होगा, यानी कि साफ तौर पर ये सारी चीजें देखी जा सकती है। अब मांग क्या रखी जा रही है बागी विधायकों की तरफ से, उनका साफ तौर पे कहना है कि दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द किया जाए, हमें एक बड़ा पद एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि इसी लालच की वजह से ही उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट में आए थे वो विधायक, जिन्हें बागी विधायक कहा जाता है। और कुछ कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ पर विधायक कहीं ना कहीं एक बार फिर से उद्धव की तरफ रुख कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो कयास है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उद्धव के पक्ष में फैसला ले सकते हैं। इसलिए तमाम तरीके की कयास महाराष्ट्र की सियासत में जमकर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए बीएमसी के चुनाव है, और बीएमसी चुनावों में लगातार ठाकरे परिवार ही जीत हासिल करता नजर आता था, लेकिन इस बार क्या होगा ये भी देखना होगा। वहीं पर लोकसभा चुनाव है अगले साल, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी है, तो इसलिए तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि बागी विधायकों की खुशी के खातिर यहाँ पर फैसला ले लिया जाता है तो अभी भी शिंदे गुट का फायदा हो सकता है, वरना कहीं ना कहीं ये गुट टूटता नजर आएगा। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।